हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखो विद नरेंद्र में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ होमोफोन्स। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप जानते होंगे होमोफोन्स यानी कि कुछ वर्ड ऐसे हैं इंग्लिश में जिनका जब हम प्रोनंसिएशन करते हैं तो जो आवाज़ आती है वो एक जैसी होती है, सिमिलर होती है, लेकिन उनका मतलब और उनकी जो स्पेलिंग है वो अलग अलग होती है। तो होमोफोन्स ऐसे ही वर्ड हैं जिनका प्रोनंसिएशन तो सिमिलर होता है लगभग, बट उनका मीनिंग और उनकी स्पेलिंग में डिफरेंस होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कुछ होमोफोन्स इस वीडियो में लेके आया हूँ आपके लिए उनके सेंटेंस के साथ, एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। पहला एयर, एयर का मतलब होता है लीगल नॉमिनी यानी HEIR, एयर। और AIR हमारा सेकेंड वर्ड है, AIR, एयर, इसका मतलब होता है विंड। तो जो हमारा एयर है HEIR, इसका मीनिंग है लीगल नॉमिनी। जैसे एक सेंटेंस है यहाँ पे, ही वॉज द लीगल एयर टू द थ्रोन, यानी कि थ्रोन होती है राजगद्दी, वह इस राजगद्दी का क्या है, लीगल एयर है, यानी कि उत्तराधिकारी है कानूनन। और दूसरा एयर हमारा है विंड, हवा। द फ्लैग वॉज फ्लटर इन द एयर, जो झंडा है वो हवा में क्या कर रहा है, लहरा रहा है। अब फ्लटर का मतलब क्या होता है, लहरों की तरह लहराना। तो हमारे वर्ड थे यहाँ पे एयर एंड एयर, एक की स्पेलिंग है HEIR और एक की स्पेलिंग है AIR। तो एयर तो लगभग सबको पता है विंड, लेकिन जो HEIR है इसका प्रोनंसिएशन भी सेम है बट स्पेलिंग और इसका जो मीनिंग है वो अलग अलग है। अगला वर्ड है हमारा असेंट, ASCENT। असेंट का मतलब होता है क्लाइंबिंग। और यहीं पे हमारा दूसरा वर्ड है ASSENT, असेंट, इसका मतलब होता है कंसेंट यानी कि सहमति देना, अनुमति देना। और असेंट इसका मतलब होता है क्लाइंबिंग यानी कि जब कोई चीज़ आगे बढ़ रही, ऊपर बढ़ रही हो, प्रगति कर रही हो। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, हिज रैपिड असेंट इन द सोशल स्केल वॉज सरप्राइजिंग, यानी कि सामाजिक स्तर पर जो उसकी प्रगति हो रही है तेज तरीके से, वो क्या है, आश्चर्यजनक है। तो असेंट का मतलब हम कह सकते हैं जब कोई आदमी तरक्की कर रहा है, यानी कि उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड असेंट हमारा ASSENT, असेंट, इसका मतलब होता है कंसेंट, सहमति देना। जैसे एक सेंटेंस है, पार्लियामेंट गेव इट्स असेंट टू वॉर, यानी कि पार्लियामेंट ने वॉर के लिए क्या दे दी है, जो युद्ध है उसके लिए क्या दे दी है, अपनी सहमति। अगले वर्ड है हमारे ओरल, AURAL, दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं। और दूसरा वर्ड है हमारा ओरल, ORAL, ओरल का मतलब तो सबको पता होगा, स्पोकन, बोलना। ओरल, ओरल का मतलब होता है रिलेटेड टू एयर, यानी कि सुनने से संबंधित। तो एक सेंटेंस है, जैसे यू कैन यूज़ दीज टेप्स एज ओरल मटेरियल, यानी कि आप इन टेप को क्या कर सकते हो, सुनने से संबंधित मटेरियल की तरह यूज़ कर सकते हो। तो ओरल का मतलब हो गया रिलेटेड टू एयर, सुनने से संबंधित। अगला हमारा ओरल, ORAL, जैसे कभी हमारे स्कूल में भी होता है ना ओरल टेस्ट यानी मौखिक। तो यहाँ पे है वी, एक सेंटेंस है, वी आर हैविंग एन ओरल टेस्ट दिस वीक, यानी कि इस वीक को हम क्या करेंगे, ओरल टेस्ट लेंगे, यानी कि मौखिक। जैसे टीचर आप सामने से क्वेश्चन कर रही होगी और स्टूडेंट भी उसका आंसर बोल के दे रहा होगा, न कि लिख के, तो होता हमारा ओरल। अगले वर्ड हमारे बैरन, इसका मतलब था लैंडलॉर्ड, यानी कि जिसका मालिकाना हक है किसी चीज़ पर। जैसे हेनरी फोर्ड वॉज एन ऑटोमोबाइल बैरन, जो हेनरी फोर्ड है वो क्या है, एक ऑटोमोबाइल बैरन है। और अगला वर्ड है हमारा बैरन, इसका मतलब है दैट विच इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनीथिंग, यानी कि एक ऐसी जगह जो कोई भी चीज़ क्या नहीं कर सकती, प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। जैसे ज़मीन होगी, यहाँ पे एक वर्ड है, मोस्ट ऑफ द लैंड वॉज बैरन, जो ज़्यादातर ज़मीन है वो क्या है, बंजर है, यानी कि उस पर कुछ भी चीज़ नहीं उगता है। तो प्रोनंसिएशन तो लगभग सिमिलर है इन वर्ड का, बट जो इनका मीनिंग है उसमें डिफरेंस है। तो BARON अगर आते हैं बैरन, तो हम कहेंगे लैंडलॉर्ड।
बैरन, BARREN, बैरन, तो ये हो गया हमारे बंजर भूमि। अगला वर्ड है हमारा बॉर्न, BORN, बॉर्न का मतलब सबको पता होगा टू गिव बर्थ, यानी जन्म लेना। जैसे एक सेंटेंस है, सी वॉज बॉर्न इन अ हॉस्पिटल, यानी वह कहाँ पैदा हुई, हॉस्पिटल में पैदा हुई। और अगला वर्ड हमारा बॉर्न, BORNE, बॉर्न, इसका मतलब होता है टू टॉलरेट, सहन करना। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, सी हैज़ बॉर्न ऑल हर प्रॉब्लम्स विद ग्रेट ग्रेट करेज, यानी कि जो वह है वह अपनी सारी मुसीबतों को एक ग्रेट करेज से क्या करती है, टॉलरेट करती है, उनका सामना करती है, यानी कि पूरे साहस के साथ। सी हैज़ बॉर्न ऑल हर प्रॉब्लम्स विद ग्रेट ग्रेस, करेज, वह अपनी सारी मुसीबतों का सामना करेज के साथ करती है, टॉलरेट करती है उनके साथ मुसीबतों से। अगला वर्ड है हमारा बैट, BAIT, बैट, इसका मतलब होता है अटेम्प्टिंग ऑब्जेक्ट टू ट्रैप अ प्रे, यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी चीज़ को हम फंसाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे पिंजरे में कभी हम मांस रख देते हैं शेर को पकड़ने के लिए, या फिर चूहे को पकड़ने के लिए हम कोई पॉइजन ब्रेड या कुछ बिस्किट रख देते हैं ताकि चूहा आए और ट्रैप में फंस जाए या फिर वो उसे खाकर मर जाए। तो यहाँ पर सेंटेंस है, वी पुट डाउन सम पॉइजन बैट टू किल द रैट्स, हमने क्या किया है, कुछ पॉइजन, क्या क्या पॉइजन बैट रखा है, कुछ रखा है चूहों को मारने के लिए। BAT, बैट, अ काइंड ऑफ बर्ड, यानी क्या है, बैट का मतलब है चमगादड़। अ बैट फ्लाइंग इन द स्काई लुक्स लाइक अ बटरफ्लाई, यानी कि आकाश में जो उड़ता हुआ चमगादड़ है वो कैसा लग रहा है, बटरफ्लाई की तरह, चिड़िया की तरह लग रहा है वो, सॉरी तितली की तरह लग रहा है, बटरफ्लाई मतलब तितली। तो बैट, यानी कि BAT, बैट वगैरह होता है तो उसका मीनिंग होगा चमगादड़। अगर BAIT, बैट होता है तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हमने किसी चीज़ को ट्रैप करने के लिए जिसको हम यूज कर रहे हैं, तो उसको उसकी इंग्लिश होगी बैट, BAIT। अगले वर्ड हमारे अल्टर, अवर्शिप प्लेस, यानी कि जहाँ पे हम पूजा करते हैं उस जगह को क्या कहते हैं, अल्टर, पूजा की बेदी भी हम कह सकते हैं इसको। द ब्राइड अप्रोच द अल्टर, यानी कि जो ब्राइट है दुल्हन है वो कहाँ आ रही है, अल्टर के पास पहुँच चुकी है। अगला वर्ड है हमारा अल्टर, ALTER, अगर अल्टर नाउन में यूज हो रहा है तो पूजा की बेदी के लिए यूज होगा, अगर अल्टर वर्ब में यूज हो रहा है तो इसका मतलब होगा टू चेंज, यहाँ पे चेंज की स्पेलिंग मिस्टेक है, CHANGE होगा चेंज। एक सेंटेंस इस पे, एन ओल्ड डॉग कैन नॉट अल्टर इट्स वे ऑफ बार्किंग, यानी कि जो बूढ़ा कुत्ता है वो अपने भौंकने के तरीके को चेंज नहीं कर सकता है। तो अगर हम अल्टर यूज कर रहे हैं वर्ब में तो उसका मीनिंग होगा टू चेंज। अगला वर्ड है हमारा अबेट, ABATE, ये भी एक वर्ब है, इसका मीनिंग होता है डिक्रीज, कम होना। जैसे सेंटेंस दिया है यहाँ पे, बाय दिस टाइम द स्टॉर्म वॉज मच अबेटेड, यानी कि इस समय तक जो तूफान है वो क्या हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है, घट चुका है। तो अबेट, ABAT, अबेट का मीनिंग हो गया डिक्रीज, घटना, कम होना। ABET, अबेट, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है एनकरेज, किसी चीज़ को बढ़ावा देना। जैसे एक वर्ड है, इट्स इलीगल टू एड एंड अबेट अ थीव, एक चोर को बढ़ावा देना और उसकी सहायता करना क्या है, दोनों ही इलीगल है, गैर कानूनी है। अगला वर्ड है हमारा कैनवास, CANVAS, इसका मतलब है टाइप ऑफ क्लोथ, जैसे हम बाइक या कार या फिर बोट या किसी अन्य चीज़ को कवर करने के लिए एक कवर, कवर का जैसे यूज़ करते हैं, कपड़े का यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं कैनवास। यूज ए कैनवास टू कवर द बोट, यानी कि नाव को ढकने के लिए क्या करो, कैनवास का यूज़ करो। अगला वर्ड है हमारा कैनवास, CANVAS, स्पेलिंग में क्या है, थोड़ा सा चेंज है, तो इसका मतलब होता है कैंपेन फॉर वोट, यानी कि चुनाव के लिए प्रचार करना। द यंगर एक्टिविस्ट वर एक्साइटेड टू कैनवास डोर टू डोर फॉर दिस इलेक्शन, जो यंगर एक्टिविस्ट थे, जो युवा कार्यकर्ता थे, वो क्या थे, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे डोर टू डोर प्रचार करने के लिए इस चुनाव में। तो कैनवास का मीनिंग क्या हो गया, प्रचार करना।
अगला वर्ड है हमारा कोर्स, सी ओ यू आर एस ए, इसका मतलब होता है सिलेबस। द कंप्यूटर कोर्स इज यूजफुल, जो कंप्यूटर कोर्स है वो काफ़ी क्या है, यूजफुल है। और यहीं पर अगला वर्ड है इसका होमोफोन्स, कोर्स सी ओ ए आर एस ई, इसका मतलब होता है रफ, जैसे खुरदुरा, जैसे हमारी स्किन हो जाती है कभी रफ, तो यूज़ कर सकते हैं हम कोर्स। एक सेंटेंस है, दिस सैंड इज टू कोर्स फॉर द सीमेंट मिक्स, यानी कि सीमेंट में मिक्स करने के लिए जो रेत है वो बहुत ज़्यादा क्या है, रफ है। जैसे दोस्तों आज का हमारा सेशन होमोफोन्स के ऊपर। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।